नमस्कार, एनसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। आइए आज बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई। 14 तारीख को बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी रैली होने वाली है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। वहीं रैली की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के सेक्टर 62 का है, जहां सेक्टर 62 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि रैली की तैयारियों को लेकर लगातार दिन रात काम किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य जिलों की पुलिस भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि 3,500 पुलिसकर्मी रैली की चाक चौबंद व्यवस्था पर नजर रखेंगे, जिसको लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। देखो, पीएम साहब की विजिट है, इसके संबंध में मुलाजमान इकट्ठे किए गए, सभी की बाई नेम ड्यूटी लगाई जा रही है और रिहर्सल और तैयारियां की जा रही है। क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें? सुरक्षा के लिहाज से जो भी नॉर्म के अनुसार से सुविधाएं जो होनी चाहिए, जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके तैयारियां की जा रही है और लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाई गई है, फरीदाबाद की भी है, बाहर डिस्ट्रिक्ट से भी बुलाई गई है, क्योंकि इतनी फोर्स डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद से अवेलेबल नहीं हो सकती। कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे सुरक्षा व्यवस्था? अभी कुछ नहीं कह सकते, लगभग 3,500 के आसपास रहेंगे। चाक चौबंद रहेगी? यस, चौक चाक चौबंद रहेगी, किसी प्रकार की कोई कुछ नहीं होने देंगे।